नमस्कार। नागौर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्दा अपने क्षेत्र में चुनाव के बाद भी लगातार सक्रिय दिखाई दे रही हैं। मंगलवार को लोगों की एक शिकायत मिलने पर वह फौरन राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पर स्थित एक पुलिस चौकी पहुंच गई और समस्या का हाथों हाथ समाधान भी करवाया। इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर और जानकारी खुद डॉक्टर मिर्दा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए शेयर की है। डॉक्टर ज्योति मिर्दा ने बताया कि मेहरता के किसान व पशुपालक अपने पशुओं को मेहरता के श्री बलदेव पशु मेला से कृषि कार्य के लिए दूसरे राज्य में ले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें राजस्थान और मध्य प्रदेश बॉर्डर के निम्बाड़ा व शंभूपुरा पुलिस चौकी पर रोका जा रहा है। इसकी सूचना मिलने के बाद में वो खुद मौके पर पहुंची। डॉक्टर ज्योति मिर्दा ने बताया कि इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने पशु वाहनों के साथ नागौर कलेक्टर से लिखित में सूचना पत्र देने की बात की, जिसके बाद में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव व नागौर के जिला कलेक्टर से फोन पर बात करके पत्र जारी करने के निर्देश दिलवाए गए। आदेशों की तत्काल अनुपालना में जिला कलेक्टर नागौर ने पशु वाहनों को पत्र जारी किए। इस संबंध में मेहरता दौरे के दौरान पशु मेला अधिकारी डॉक्टर तुलसी राम व पशुपालकों से मिलकर हुए उचित समाधान की जानकारी दी।